हेलो संगवारी हो, कैसे हो आप मन? ता संगवारी हो, हमारे गांव में श्री महापुराण होने वाला है संगवारी हो। ता आप मतलब मैं वहां ले चलत हूँ, यहाँ कितना दूर है और कितना किलोमीटर है, कैसे जाते तेल देखा हूँ संगवारी हो। ता आप मन भी ब्लॉग में बने रहो। संगवारी हो यदि हमें निकला था, ये हमारी स्कूटी है रे, हम जाबो जी हैं उनके साथ, मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। ये हमारे घर के बाहर पार है रे संगवारी हो। ये हमारे घर है दुर्गा रोड में आते हैं। देखो वहाँ शिव महापुराण के पोस्टर लगे हैं बड़े से। ये बाहर के नजारा है रे, सब सजा थे। चलो हमन भी चलथन। संगवारी हो, ये दुर्गा रोड के जाए वाले रास्ता हरे। जे भी दुर्गा शाही के नहीं रोड से जाही तो यहाँ से पार्किंग हुई, उसके बाद यहाँ से सब लोग पैदल जाए लगी संगवारी हो। यह डायरेक्ट सीधा सीधा जाते, उसके बाद यहाँ बीच में चौक पर थे, वहाँ से सीधा सीधा जाबे। उसके बाद स्कूल आही, बॉयज स्कूल स्वामी आत्मानंद स्कूल दोनों मर्ज है। वे जस्ट बाजू में हावे संगवारी हो पंडाल है। संगवारी हो गंडई में पहली बार हुआ थे, गंडई आसपास एक बार भी यहाँ शिव महापुराण नहीं हो रही से, तो हमारे मन के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे गांव में पहली गांव शिव महापुराण हो थे। यहाँ के सब ग्रामवासी आसपास के गांव मन में सब बहुत खुश है कि हमारे गांव में हुआ थे कि ये, और बहुत सहयोग कर थे अपन अपन से, सब आते संगवारी हो साफ सफाई करे बार। संगवारी हो पंडाल के जस्ट पीछे नदी है, वहाँ सब आही सुनैया मन है ते सब नहा सकत है, और खाना की व्यवस्था रखे है, नाश्ता की व्यवस्था रखे है, और सरस्वती शिशु मंदिर जो स्कूल है वहाँ सब सोए की व्यवस्था है, और बॉयज स्कूल सरकारी वाले वहाँ भी सब सोए की व्यवस्था है, वहाँ रुके की व्यवस्था है। तो यहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था करे है संगवारी हो, तो आप मन भी सब आओ महाशिवपुराण सुने बा और आनंद उठाओ। और संगवारी हो जैसे कि राजनांदगांव से आही, देखा मन के राजनांदगांव रोड साइड पार्किंग है, और जो दुर्गा रोड से आही जैसे दुर्गा शहर से, तो मन के लिए दुर्गा रोड में पार्किंग है, और कवर्धा से आही तो मन के कवर्धा साइड पार्किंग है। मतलब जहाँ से आही वहाँ से पार्किंग है, भगदड़ मत हो के कलेक्टर साहब है एक महीना पहले से ही व्यवस्था बना के चला थे ताकि यहाँ कोई भगदड़ मत होए, सब अच्छा से निपट जाए करके। जैसे कि अलग जगह में देखे हों कि एकदम अलग से आउटर में होए, यहाँ आउटर में नहीं है, एकदम सिटी अंदर है, गांव अंदर। तो यहाँ जाबे तो पूरा तोला घर घर ही दिखी, अलग से कोई खेत खार नहीं दिखे, इसका कारण इतना व्यवस्था में सब भीड़े है कि कोई परेशानी मत हो, आसानी से सब चले जाए। और हमारे घर से तो 2 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से गाड़ी घोड़ा बिल्कुल नहीं चले, सब गाड़ी घोड़ा दूर पार्किंग कर ही, काबर की गाड़ी घोड़ा चलते संगवारी हो तो कोई जाए आल नहीं बने, ओखर से कि सब पैदल ही जाही, तो सब पैदल चले बर रेडी रहा। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे पहली अलग अलग जगह में कोडियम हो रही से तो 2-3 किलोमीटर एकदम चले लगी से, भाटा में रही अलग से, यहाँ एकदम घर वर है तो उतना यह नहीं है, परेशानी नहीं है, और सब व्यवस्था रखे है बीच बीच में नाश्ता चाय के पानी के, तो आप मतलब कोई परेशानी नहीं हो संगवारी हो, यहाँ सब सहयोग करी, और आप मन भी सब अच्छा से सुनो, कोई भगदड़ मत करो। तो संगवारी हो ये दे हमन आगे अपन कथा स्थल में, ये जस्ट सामने जाबे तो स्कूल है बॉयज स्कूल, देख ले रहो यहीं से जाते, अब एक बाजू में देखबे पंडाल है।
और माथे में विराजे महादेव, दूज के चंदा तोर माथे में विराजे महादेव, दूज के चंदा तोर माथे में विराजे महादेव, दूज के चंदा तोर माथे में विराजे महादेव, दूज के चंदा। संगवारी हो, ये दे हमारे यहाँ से स्टार्ट होते कथा स्थल है। देखो यहाँ से पूरा जाते वहाँ तक पंडाल तक के तो लगभग ठीक है, उतना बड़े तो नहीं कह सका लेकिन ठीक है। संगवारी हो, यहाँ अभी 3 पंडाल बने हैं। ये सामने जाबे तो मुख्य पंडाल है, और आजू बाजू खत थोड़ा छोटे पंडाल है। और संगवारी हुए थे हमन जाते हैं स्कूटी में, अभी तो अंदर जा सकते हैं स्कूटी में, उसके बाद जब शिव महापुराण स्टार्ट हुई तो नहीं जा सकन। तो आप मन भी देखो संगवारी हो, बने रहो ब्लॉग में, और अगर मोर ब्लॉग अच्छा लगी तो संगवारी हो मोर चैनल सब्सक्राइब कर दूँ और मोर लाइक कर दूँ मोर वीडियो ला। और संगवारी हो इसने मोर वीडियो मला देखे करो, सपोर्ट करे करो, आप मन के एक सब्सक्राइब और लाइक हा मोला बहुत मोटिवेट करते, ताकि आप मन पर मैं इसने वीडियो बनात रहूं। तो संगवारी हो देखो कैसे बना थे पंडाल है, अभी तो स्टेज बने नहीं है संगवारी हो, बना थे पंडाल मन है बन गए हैं, अच्छा बने हैं, जैसे पानी वानी भी गिरी तो यहाँ कुछ नहीं हुए। वाटर प्रूफ पंडाल बना थे संगवारी हो, काबर की बरसात के मौसम हरे, और का कि थे ये देख 14-15 तारीख से तो चालू हो जाए पानी है, खर से थी अच्छा से लगा थे पंडाल वगैरह ला, वाटर प्रूफ हरे सब है। और पापा है अब आगे के बताही का कहे तेला, तो आप मन भी ब्लॉग में बने रहो। तो ये मुख्य पंडाल है, और जो बगल में जो लाइट में और लेफ्ट में जो है इसके छोटे पंडाल है, और जो सामने जो बन रहा है वो महाराज जी का पंडाल है, और बगल में स्वामी आत्मानंद स्कूल है, और भोजन की व्यवस्था इधर 1.5 किलोमीटर में कन्या स्कूल में रखा गया है, और यहाँ बहुत कार्यक्रम का आयोजन है। सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि वो शिव पुराण कथा सुनने गंडे पहुँचने की कृपा करेंगे। मेरी सेवा भोजन व्यवस्था में लगा हुआ है, तो मैं आप लोगों को भर पेट भोजन खिलाने का संगवारी हो। यहाँ मुख्य पंडाल के बाजू वाले पंडाल हरे, ये भी अच्छा सजा थे, देखो आप मन है कितना कलरफुल पंडाल लगे हैं, बहुत अच्छा दिखा थे। मैं अभी आ जाऊँ यहाँ वीडियो बनाए पर, देखा का है कैसे कैसे है तेला देखे पर। पंखा वंखा भी बहुत लग गए संगवारी हो, देखो इतना सारा पंखा लगे हैं। संगवारी हो हमन है मुख्य पंडाल में जात है ना, ये मुख्य पंडाल हरे संगवारी हो, दूसरा पंडाल है संगवारी हो। अभी स्टेज बना थे दे हमन स्टेज में जात है ना, आप मतलब अभी स्टेज दिखाबो, अभी तैयारी चला थे संगवारी हो, पूरा नहीं हो है, अभी 4-5 दिन बाकी है करके। देखो आप मन भी कैसे बनते शिव महापुराण के पंडाल है, और स्टेज है था बहुत सारा वर्कर आ है करैया, सब भीड़े है संगवारी हो। ये मन है यहाँ किन्नो हरे छत्तीसगढ़ के, सब मध्य प्रदेश के हरे, वहाँ से आए सब बनैया मन है, जो पंडाल बनाते हो मन यहाँ के कोई नो हरे जो पंडाल के जस्ट पीछे नदी है संगवारी हो, देखो आप मन है मैं तो नदी तक की नहीं गई हूँ, लेकिन आप मतलब पीछे से दिखा देता हूँ।
यहाँ जस्ट पीछे नदी है, बहुत अच्छा है नदी है। मैं चल रही हूँ लेकिन अभी तो नहीं गए हूँ, तो आप मतलब बस डायरेक्शन बता देती हूँ कि कैसे कैसे जाते तेला, ताकि आप मतलब असुविधा ना हो। काबर की देखे रही बे तो पता नहीं थे संगवारी हो वीडियो में किए थे यहाँ यहाँ खाबे पीछे। नदी है कथा स्थल पे, आप मतलब सब झारा झारा नेवता है शिव पुराण सुने पर आओ, और यहाँ सब बढ़िया व्यवस्था है, रात की बढ़िया भजन कीर्तन है, तो सब लाना है, हाथ जोड़ के सब ला निमंत्रण है। धन्यवाद। गंगा के धारा तुर जटा में विराजे महादेव, गंगा के धारा तुर जटा में विराजे महादेव, गंगा के धारा। संगवारी हो तो मोर ब्लॉग के यही समाप्त होते, और आप मन ला आगे के अपडेट देत रहूँ संगवारी हो। 17 तारीख के देवर मंदिर से वार्ड नंबर 14 से कलश शोभा यात्रा निकलही, सब माता बहनी मन हा सब पीला कलर के साड़ी पहन के यही संगवारी हो, अपन अपन कलश ला पकड़ के। ता आगे के ब्लॉग आप मन ला यही चैनल में मिलही, तब मोर चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ और मोर वीडियो लाइक कर दूँ संगवारी हो, और शेयर कर दूँ ताकि आप मल्ला आए के असुविधा ना हो। धन्यवाद संगवारी हो।